विशाल अपने पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब आदमी था। उसका पत्नी का नाम बिमला था। अपने आंगन में बैठ के और सोच रहा था, कहीं चला जाए नौकरी की तलाश में। सुबह होते ही विशाल अपने पत्नी के साथ निकल गया काम की तलाश में। थोड़ी दूर आगे जाते ही विशाल को एक चिड़िया रानी मिलती है। चिड़िया रानी को पास जाके विशाल और उसका पत्नी रुक जाती है। फिर विशाल ने अपने पत्नी से बोलता है, बिमला मानो तो भगवान ने चिड़िया रानी की रूप में धन दिया है, इसको लेके चलते हैं हम घर। फिर विशाल और उसकी पत्नी चिड़िया रानी को ले आए घर और अपने बच्चे को तरह पालने लगे। विशाल और उसका पत्नी सो रही थी। फिर वह चिड़िया रानी सपने में आके बोली, घर को आगे एक पेड़ है, उसके नीचे सोने का घड़ा है। सुबह विशाल दौड़ के जाता है उस पेड़ के पास। नीचे लगता है उसको खोदने, फिर उसको एक सोने का घड़ा मिलता है। विशाल वह सोने की घड़ा देख के बहुत खुश होता है। फिर विशाल ने सोने की घड़ा लेके अपने घर आ जाते हैं और उसको बढ़िया से पूजा करते हैं। बीतते दिन विशाल ने एक बढ़िया सा घर बना लिया। फिर उसका पत्नी बिमला ने बोली, हाँ जी, आज जो भी कुछ है सब इस चिड़िया रानी की वजह से। फिर विशाल और उसकी पत्नी बिमला ने खुशी खुशी रहने लगे।